नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम अपने चैनल के खास कार्यक्रम आपका विधायक कैसा हो के क्रम में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कुचरा गांव में उपस्थित हैं और यहां के जनता से हम जानेंगे, युवाओं से जानेंगे, महिलाओं से जानेंगे कि उनका विधायक कैसा हो। हमारे साथ कुछ नौयुवक हैं, कुछ जनता हैं यहाँ के, हम उनसे जानते हैं कि उनका विधायक कैसा हो। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? संजीत कुमार। संजीत कुमार, आप क्या करते हैं? पान का खेती करते हैं। पान का खेती करते हैं। आप हमको ये बताइए कि जैसे कि इसी वर्ष एक दो महीना के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो आप अपने विधायक जी को किस रूप में देखना चाहते हैं? विधायक जी तो ऐसा होना चाहिए जो कि प्रत्येक जनता का क्या समस्या है जी, किस स्थिति में गुजर रहा है, उसे जा कर के देखना चाहिए और जहाँ तक भरसक प्रयास हो उसके दुख को हटाने में काम आने चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत विश्वास के साथ इसके पूर्व में भी जो विधायक जी को चुने, वोट दिए, हम नहीं बल्कि हमारे गांव से तो लगता है कि समस्त चौरसिया जाति, मतलब पूरा चौरसिया समाज, हाँ, एकजुट हो करके विधायक जी को समर्थन किए। इसके पहले जेडीयू से विधायक हैं यहाँ के चंद्रसेन प्रसाद, उनको आप लोग सपोर्ट किए? हाँ, चंद्रसेन जी को किए। लेकिन जब से हम लोग वोट दिए उस दिन के बाद आज तक के इतना भयंकर समस्या ये लॉकडाउन के दरमियान ही, आंधी तूफान के दरमियान ही आया, लेकिन कभी उन्होंने हम लोग के साथ मैंने आ करके देखने का काम नहीं किया। आपसे मतलब कि रूबरू होने नहीं आए? कभी नहीं आए। रूबरू तो दूर गया, अगर फ़ोन से ही बात करके अगर हम लोग का हाल समाचार सुनते हैं तो लगता कि ना भाई विधायक जी ने कुछ किए, लेकिन कभी भी फ़ोन के जरिए भी नहीं हम लोग से संपर्क किए, ना आज तक के किसी ही प्रकार का कोई सहायता हम लोग को मिला, किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। चाचा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद चौरसिया। राजेंद्र प्रसाद चौरसिया। चौरसिया बहुल गांव है, यहाँ पे ज़्यादातर चौरसिया समाज के लोग रहते हैं। जी हाँ, हाँ। आपको क्या क्या समस्या हुई पिछले 15 वर्षों में? नीतीश कुमार 15 वर्ष से सत्ता में है, उसके पहले लालू यादव थे 15 वर्ष। आपको किन की सरकार बढ़िया लगी? सरकार तो कोई ख़राब नहीं होता, हाँ, मैं तो उनका धंधा खराब होता है। अच्छा, तो नीतीश जी जब आए तो गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिए। अच्छा, लेकिन शिक्षा को एकदम बैठा दिए। शिक्षा एकदम नहीं है, एकदम खत्म कर दिए। आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार। सुनील कुमार, सुनील जी, हमको ये बताइए कि विधायक जी अगर इस बार वोट मांगने आते हैं तो आप लोग कैसे उनको झेलेंगे? उनको जूता के माला पहनाया जाएगा। हैं? जूता के माला पहनाया जाएगा। जूता के माला पहनाया जाएगा, एकदम मूड बना लिए। हाँ हाँ, एकदम। काहे जूता के माला पर, काहे इतना नाराज है विधायक? कुछ करवे नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? भूखल मर रहे हैं, भूखल मर रहे हैं, भूखल है, चेहरा दिखाने। अच्छा, लॉकडाउन में क्या क्या? आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र प्रसाद चौरसिया। महेंद्र प्रसाद चौरसिया, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये गांव है जो चौरसिया समाज का है, काहे आपको भूखल? विधायक जी का क्या बोलते हैं आपको, भूखल रहे हैं? हम लोग पान खेती कर रहे हैं, पान का बिक्री नहीं हो रहा है, समझे? सारा पान हम लोग के पैसा वैसा कुछ है नहीं, बाल बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, ये सब को झेलना पड़ रहा है, आमदनी नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्या आपको? समस्या तो यही है मेन, भोजन का, पान का, बिक्री का, मतलब कि मूल रोजगार है पान का खेती। हाँ, और उस पर ग्रहण मंडरा रहा है। हाँ, हम लोग 300 घर चौरसिया हैं, वही पान का रोजगार से ही पूरा बाल बच्चा जिंदगी चलता है। अच्छा, और वो पान का बिक्री नहीं हो रहा है, न कहाँ से पैसा आ रहा है आमदनी का, और जो विधायक जी का वोट दिए वो कभी देखने भी नहीं आए। एक बार विधायक जी कभी नहीं आए? नहीं आए। चाचा, इधर आइए, आपका नाम क्या है? इधर आइए। क्या नाम है? राम जन्म। राम जन्म प्रसाद, जैसे कि कितना वर्ष उम्र हुआ आपका? हमारा 68 वर्ष उम्र हो गया। 68 वर्ष उम्र हो गया है। लालू यादव का भी सत्ता देखे होंगे 15 साल, नीतीश कुमार का भी देखें। इस बार आप क्या सोच के, मतलब कि पार्टी को वोट देंगे या फिर चेहरा को वोट देंगे? चेहरा को वोट नहीं देंगे, जो काम कर दे हो उस व्यक्ति को हम वोट दे सकते हैं। और इन दोनों को कुछ हमको दे, सब रोजगार चला गया, आज तो कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। और अब मतलब कि आप इतना मायूस कहे हैं? नहीं, मायूस नहीं है, लेकिन एक सब कागज पागज भरते हैं वृद्धा पेंशन वाला, दुनिया दरी वाला, वो आज नहीं। आप अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। कितना वर्ष बताए उम्र? 59 साल। 59, मतलब कि 1 साल अभी कम रहा है। नहीं, 69 साल। अच्छा, 69 साल हो रहा है आपको। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? देखिए, इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता तमाम। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण प्रसाद चौरसिया। आप, अच्छा, ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? मेरा पटाना है। अच्छा, हम लोग इसी से पान का खेती पटवन करते हैं। अभी आप कहाँ जा रहे थे? अभी हम बेटा पर जा रहे थे, पान की खेती पे जा रहे हैं। पान की खेती पे जा रहे थे। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? सर, विधायक तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि हर
जनता की मानी की बात सुने, हर जनता को एक नज़र से देखे, लेकिन ये चंद्रसेन जैसा नहीं होना चाहिए जो कि मानी की जीत के जाने के बाद एक बार अपना मुख भी मतलब तमाम प्रकार के समस्या आया आप लोग के समाज के ऊपर, बारिश हुआ, बाढ़ आया, सुखाड़ आया, कभी हम लोग का नुकसान मानी की शीतलहर से होता है तो कभी मानी की हवा तूफान से होता है, कभी मानी की ये देखिए लॉकडाउन में मानी की इतना नुकसान हो गया, लेकिन आज तक विधायक जी और न मुख्यमंत्री जी एक बात हम लोग को सुने। कभी कभी फार्म भी भर के देते हैं तो 100-200 रुपया ऊपर से लगवो करता है, न कुछ होता है, घुसखोरी भी होता है, घुसखोरी भी होता है, फार्म भरने में 100-200 रुपया लगवो करता है, लेकिन एक पैसा हम लोग को नहीं मिला है अभी तक, एक पैसा नहीं मिला। चाचा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका आपका क्या नाम है चाचा? शिव शंभू प्रसाद। शिव शंभू प्रसाद, आपका कितना वर्ष उम्र हुआ है? 42। क्या करते हैं आप? यही पान का खेती। पान का खेती, मतलब कि मूल रोजगार पान का खेती है। हाँ। क्या क्या समस्या हो लॉकडाउन में आपको? समस्या तो बहुत है, पान का बिक्री नहीं हुआ, हम लोग का क्षति हो गया। फास्टैग मैंने न विधायक जी आए न एमपी साहब आए, कोई भी तो नेता यहाँ नहीं आए। कहा है, मतलब कि कोई नाराजगी है आप लोगों के साथ जनता नेताजी से? नेताजी से तो नाराजगी है ही, इसलिए कि हम लोग को नहीं, हमारा ये सवाल है कि जैसे नेताजी क्यों नहीं आते आप लोग, कोई मतलब कि नुकसान पहुंचाया नेताजी को? नहीं, हम लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम लोग तो उनको जिताए हैं, कुर्सी पर बैठा दिया। हाँ। लेकिन आपके पास फिर दोबारा नहीं, दोबारा नहीं आए। 15 साल से जिता रहे हैं वो। कुछ और यहाँ पे खड़े हैं दादा, आपका कितना वर्ष उम्र होता, क्या नाम है? 59 साल हो गया है। क्या नाम है आपका? हीरालाल चौरसिया। हीरालाल चौरसिया, आप भी पान का खेती ही करते होंगे? हाँ, पान का खेती। सरकार से आपका क्या सवाल है? इस वर्ष विधानसभा चुनाव है, क्या कि मतलब कि क्या सोच करके विधायक जी को आप चुनेंगे? जो अच्छा विधायक होगा हम लोग के साथ देगा उसी को चुनना चाहिए। अच्छा, आप जैसा कि बता रहे हैं कि 59 वर्ष उम्र हुआ है। हाँ। कोई ऐसा नेता बताइए कि आपके मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं कि समस्या में साथ दिए हो, कोई है ऐसे नेता आपके? कोई नेता अभी तक जन्म नहीं लिया है। थोड़ा अभी नहीं। अच्छा, कोई नहीं? कोई नहीं, आज जीत के जाता है बस भाई, उतने तक जीतने के बाद कोई भूल के नहीं आता, गरीब आदमी को तो कोई देख ही नहीं चाहता है। बड़े बड़े नेता लोग खाली बड़े बड़े के चाहता है, मतलब बड़े लोग जो हैं बड़े लोग को चाहते हैं। गरीब को खाली गरीब के नाम पर लूट है, लूट है। हाँ, अच्छा एक और है युवा है भाई, एक सेकंड भाजी में, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, हमारा भी नाम अमित कुमार है। क्या क्या करते हैं आप? पान का खेती करते हैं, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते भी हैं। सरकार से क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार तो कुछ कर भी नहीं करते हैं। इधर चाची यहाँ पे हैं खड़ी, एक सेकंड का नाम है तुम्हारा? हमारा बाफी देवी। बाफी देवी, क्या करती हैं? पान की खेती। आप भी पान का खेती करते हैं? हाँ, बेटा बेटी। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप भी घर पे पान का खेती ही करते हैं। तो क्या क्या समस्या है लॉकडाउन में आपको? कोई समस्या नहीं, रोजी रोजगार सब पान खेती के तो बैठ गया, सब एकदम खत्म खत्म। सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं, गल्ला मिल रहा नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं मिल रहा है। गल्ला भी नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको गल्ला नहीं मिल। अच्छा, नीतीश कुमार घोषणा किए थे। हाँ। कि लॉकडाउन में सबको 1,000 रुपया मिलेगा, आपको मिला है? हमको नहीं मिला, हमको पुतोह के मिला है। अच्छा, आपके पुतोह को मिला, आपको नहीं मिला? नहीं, इनको नहीं मिला। इधर से हैं कुछ, वहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं, इधर हम आकर के बतियाते हैं। आपका आपका क्या नाम हुआ आंटी? बीमा कुमारी। बीमा कुमारी, क्या करती हैं आप? मेरे पति पान की खेती करते हैं। आप क्या करते हैं, मतलब घर में गृहिणी हैं आप? गृहिणी है और साथ में उनके काम में भी हाथ बटाते हैं। अच्छा, सरकार से आपको क्या मांग है? इस बार विधानसभा चुनाव है, आप क्या सोच करके विधायक जी को वोट देंगे? हम तो यही सोच के देंगे कि वो हमारे गांव के, हमारे जिला के, हमारे समाज का कोई विकास करें, ऐसा काम करें जिससे कि सभी को राहत और सुख सुविधा मिले, तो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें। सभी गरीब को, बहुत आदमी है जिसको अभी तक राशन नहीं मिल रहा है, इतना दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत आदमी को राशन, हम लोग को राशन अभी तक नहीं मिल रहा। आपको नहीं मिलता राशन? एक महीने से मिल रहा है, लेकिन मेरे घर में और मेरी जेठानी है, उनको अभी तक नहीं मिल रहा है राशन। अच्छा, मतलब समस्या भर पार है। हाँ, हम हाँ। आपका क्या नाम है आंटी? रंजू देवी। रंजू देवी, आप क्या करती हैं? हम पान का खेती करते हैं। पान का खेती पे ही इस गांव का मतलब कि रोजी रोटी चलता है। अभी क्या क्या समस्या आप इस बार विधान? तो यही है कि 6 महीने से लॉकडाउन है, 6 महीने से बरेठा उरेठा सब खत्म हो गया है। यही सोचिए कि गल्ला भी उन्हें नहीं मिल रहा था हमको,
और हम क्या कर सकते हैं, बाल बच्चा जवान जवान है, क्या चीज़ से हम लोग पढ़ावे, क्या करें, आगे रोजगार कुछ है ही नहीं हमारे पास। जिसको हम वोट देते हैं दोबारा उलट के ताकना भी नहीं आता कि इस गाँव का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो कैसे आदमी जी रहा है कैसे मर रहा है, घर द्वार ऐसा ना कह रहना के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा, इंदिरा आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला है, हमारा नहीं मिला है, मेरे सासू माँ को मिला था, मेरे को नहीं मिला है। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं। तो सोचिए कि हम कैसे रह सकते हैं, कैसे बाल बच्चों को हम आगे चल कर पढ़ाएंगे, 6 महीने से लॉकडाउन में हम लोग क्या खाएंगे, मतलब कि खाने पर भी समस्या। हाँ, वोट लेने के लिए रहता तो गोड़ हाथ चाची माई करने आता है, दे देता कि वोट दे दो, आप वोट दे देते हैं तो उलट के देखने भी नहीं आता है। वोट देने के बाद आए कि नहीं विधायक जी आपके? कोई नहीं आता यहाँ उलट के देखने के लिए। अच्छा, आप जानते भी नहीं है कि विधायक कौन है? नहीं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है आप ही बताइए? कौन, हमको पता नहीं है। पता नहीं है? यहाँ के विधायक चंद्रसेन जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि गांव का विकास कर रहे हैं, देखें सब कोई के, मतलब कि समस्या भरपूर है। बालक, एक सेकंड, का नाम है? छोटू कुमार। का करता है तू? हाँ तो नहीं, कौची करता है? पढ़े जाता है? मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने? अभी बंद है स्कूल। पढ़े जाता है तू? अभी ट्यूशन जाता है। स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? होता है, अभी छुट्टी है। अभी छुआ एक और है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? नोएडा में रहते हैं। नोएडा? नोएडा में रहते हैं। कब आए थे नोएडा से? अप्रैल में आए थे। तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? एक दिन काम नहीं किए, बैठे हुए घर पे बिना भूखे प्यासे। तो पेट कैसे भर रहा है बैठे हुए हैं? तो क्या करें, जैसे भी भर रहा है, लेकिन भर तो रहा है ना। नून मिर्चाई रोटी खा के। अच्छा, नमक मिर्चाई रोटी खा करके दिन काट रहे हैं? क्या करेंगे, 5 महीने से क्या खाएंगे, खेती बाड़ी भी नहीं करते हैं कुछ, पान के भी। अच्छा, कितना वर्ष आपको उम्र हुआ है? 25 वर्ष हुआ होगा। 25 वर्ष उम्र हुआ है। 5 वर्ष से आप मतदान भी कर रहे होंगे, मुखिया के चुनाव दिए होंगे, विधायक का चुनाव दिए होंगे, एमपी का चुनाव दिए होंगे। इस बार आप क्या सोच करके विधायक जी को वोट देंगे? क्या सोच के देंगे, रोजगार दे ही ना रहे, रोजगार जो देंगे इसको वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है रोजगार मिलेगा बिहार में? तो हमको नहीं लगता है कि रोजगार नहीं मिलेगा बिहार में रोजगार। तो फिर नोएडा जाने का प्लान है? तब जाएंगे नहीं, क्या करेंगे यहाँ, मजबूर हैं आप जाने के लिए? तब क्या करेंगे, भूखल मरेंगे। क्वारंटीन में आके रहे 14 दिन, बोला सरकार की पैसा देंगे, अभी तक पैसा नहीं मिला। क्वारंटीन आप मतलब पूरा कर लिए 14 दिन, उसके बाद पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, 14 दिन इस्लामपुर किए, 14 दिन घर पे किए। 28 दिन? 28 दिन। एक महीना नोएडा में रहता तो कितना आपको मिलता? एक महीना में 12,000 कमाते। यहाँ पे बैठ करके मतलब कि खा रहे हैं, ऐसे परिवार भी है भूखा। क्वारंटीन वाला पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। नीतीश कुमार एकदम झूठा, एक रुपया नहीं दिए। काहे बोल रहे हैं झूठा है? बोल कर नहीं दे रहे हैं पैसा, इसके लिए झूठा है। एक इधर है चाचा, क्या क्या नाम है? अनिल। हैं? अनिल। अनिल कितना वर्ष उम्र हुआ है? हम हो गया 55 हो गया है। 55 वर्ष हो गया है। आप लड़खड़ा कह रहे हैं? कुछ नहीं देता है, नीतीश इतना जीतिया है, सभी को कुछ देखे नहीं आता है। नीतीश जी नहीं आते देखने? कोई नहीं आता है, यहाँ देखे आता है। अच्छा, आपके गांव का मुखिया, पंचायत के मुखिया जी जो है, वो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के मुखिया है जो यहाँ कोई न देखे आता है, यहाँ कोई कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं आते करने? नहीं देता है कुछ न। तो ये थे कोचरा गाँव के कुछ युवा, कुछ महिलाएं और कुछ बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा किया। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, नालंदा।